हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर फाइन एट होम. ओके, वेरी गुड. सो इन टुडेज क्लास वी आर गोइंग टू स्टार्ट चैप्टर नंबर 2 इन साइंस. द नेम ऑफ द चैप्टर इज माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. सो फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट आर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एक्चुअली होते क्या हैं? तो बच्चों, माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है, इट इज़ अ वेरी स्मॉल लिविंग थिंग दैट यू कैन नॉट सी विद योर नेकेड आई. बट टू सी दिस माइक्रो ऑर्गेनिज्म यू नीड अ स्पेशल इक्विपमेंट कॉल्ड माइक्रोस्कोप. आप सबने लैब में कभी ना कभी माइक्रोस्कोप ज़रूर देखा होगा. अगर नहीं देखा तो यू कैन सी हियर, दिस इज़ द इमेज ऑफ अ माइक्रोस्कोप विद द हेल्प ऑफ विच यू कैन सी दीज टाइनी लिविंग ऑर्गेनिजम्स, जिनको हमारी आँख ऐसे नहीं देख सकती, जिसको देखने के लिए हमें इसकी डेफिनेटली ज़रूरत पड़ती है. सो टू सी एनी काइंड ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, व्हाट यू विल डू, यू विल पुट अ स्लाइड ओवर दिस प्लेटफॉर्म. यहाँ पर आप एक स्लाइड रख देंगे, जो भी माइक्रोस्कोप की आपके पास स्लाइड है. तो आप क्या करेंगे, उसके बाद यहाँ पर इसकी एडजस्टमेंट करेंगे. आफ्टर दैट यू विल प्लेस योर आई ओवर दिस आई पीस. दिस इज़ द आई पीस ऑफ द माइक्रोस्कोप, राइट? सो ओवर द आई पीस यू विल पुट योर, यू विल एडजस्ट योर हेड इन दिस वे कि आपकी आई जो है इस आई पीस से होते हुए इसके अंदर ये जो भी सेटिंग हमने करी है, तो यू विल बी एबल टू सी दैट माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म क्लियरली विद द हेल्प ऑफ द अलाइनमेंट ऑफ लेंजेज इन साइड द माइक्रोस्कोप. ऑल राइट चिल्ड्रन, नेक्स्ट विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज़ हैबिटेट ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म. माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स की रहने की जगह कहाँ कहाँ पर है? बच्चों, माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स जो हैं, ये हमारे आसपास ऑलमोस्ट हर जगह पर, हर चीज़ में रहते हैं. लाइक हेयर यू कैन फाइंड द माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स इन द एयर, देन इन द सॉयल, देन इन द वाटर, एवरी टाइप ऑफ वाटर, इवन इन द हॉट वाटर, स्प्रिंग वाटर्स, सॉल्टी वाटर, इवन द आइस कोल्ड वाटर, हर तरह के पानी के अंदर आपको माइक्रो ऑर्गेनिजम्स मिलेंगे. देन जितने भी डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिजम्स हैं, ऑर्गेनिक मैटर है, सॉरी, डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर मतलब जितनी भी चीज़ें गल रही हैं, सड़ रही हैं, उन वो एक्चुअली जो उनका डिके हो रहा है, डिकम्पोजिशन हो रहा है, दैट इज़ ओनली बिकॉज ऑफ दिस टाइनी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. देन अमीबा एक ऐसा माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो कि विच कैन लिव अलोन, जो अकेला रहता है. बट फंजाई एंड बैक्टीरिया, ये दो तरह के ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स हैं बच्चों, जो कि अकेले नहीं रहते. दे कैन नॉट लिव अलोन, बट दे लिव इन द कॉलोनीज. ऑल राइट, ये ग्रुप बनाकर रहते हैं. Now the next, the main topic of this chapter is the major group of microorganisms. हमारे microorganisms जो हैं वो कितने groups में classified हैं, तो you can see here according to this web chart. I want to explain you the microorganisms. They are actually of 5 broad categories, right? First is bacteria, second is fungi, थर्ड इज एल्गी, फोर्थ इज प्रोटोजोआ, एंड लास्ट वायरसेस. ऑल राइट चिल्ड्रन, चलिए आगे बढ़ते हैं. इन पांचों कैटेगरीज में सबसे पहले टुडे आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू अबाउट द बैक्टीरिया. अब बैक्टीरिया जो है बेटा, ये इसका हैबिटेट जान लेते हैं सबसे पहले, कि ये बैक्टीरिया जो है ये रहता कहाँ पर है. बैक्टीरिया जो है, इट अकर्स ऑलमोस्ट एवरीवेयर ऑन अर्थ, इन एयर, इन वाटर, इन सॉयल, इन फूड प्रोडक्ट्स, एंड इवन इनसाइड द बॉडीज ऑफ अदर ऑर्गेनिजम्स. इसका साइज जो है, अगर हम साइज की बात करें तो बहुत छोटा है. दीज आर द डायमेंशंस ऑफ द साइज गिवन हियर, दैट इज 0.2 to 100 माइक्रोन्स. माइक्रोन इज द यूनिट ऑफ, इट इज़ अ वेरी स्मॉलर यूनिट विच इज़ यूज टू मेजर द वेरी स्मॉल माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर्स. देन अगर हम इसकी शेप की बात करें, तो शेप जो है, बेसिकली बैक्टीरिया, दे आर फाउंड इन 4 डिफरेंट शेप्स.
First is cocci, bacilli, second spirilli, third and fourth is vibrio. कोकाई शेप जो है बच्चों ये स्फेरिकल शेप होती है. स्फेरिकल शेप मींस अगर आप ध्यान से देखें तो इन माय नेक्स्ट स्लाइड हेयर यू कैन इजीली सी द मोनोकोकाई बैक्टीरिया लाइक हेयर विच आई हैव सर्कल्ड ओवर हेयर. ये एक स्फेरिकल सर्कुलर शेप के बैक्टीरिया होते हैं जो सिंगल सिंगल भी रह सकते हैं या फिर ये टू टू का पेयर बनाकर भी रह सकते हैं. और थर्ड इनकी फॉर्म है चेन के फॉर्म में. राइट चेन में कैसे ये देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं ये एक लंबी सी चेन बनाकर लीनियर चेन बनाकर लाइक इन चेन फॉर्मेशन दे कैन ऑल्सो लिव इन दिस फॉर्म एंड इवन इन द फॉर्म ऑफ क्लस्टर्स. क्लस्टर्स मीन्स जैसे आपने अंगूरों का गुच्छा देखा है सिमिलर वे दे आर ऑल्सो फाउंड इन द क्लस्टर्स. तो इसी के अकॉर्डिंग इनके नेम्स भी दिए गए हैं. मोनोकोकाई जो सिंगुलर फॉर्म में रहते हैं, डिप्लोकोकाई विच लिव इन अ पेयर. डिप्लो डाई मीन्स टू विच लिव इन द पेयर मीन्स टू इन वन. देन इन द चेन फॉर्म विच इज कॉल्ड स्ट्रेप्टोकोकाई एंड लास्ट इज द क्लस्टर फॉर्म विच इज कॉल्ड स्टेफिलोकोकाई. ऑल राइट चिल्ड्रन तो ये हमारे चार तरह के बैक्टीरिया के शेप्स हो गए. उसके बाद अगर हम बात करें तो यहाँ पर ये आपको रॉड शेप बैक्टीरिया मिलेंगे लाइक कोकाई के बाद जो है फर्स्ट कोकाई इज डन सेकंड इज बेसिलाई. बेसिलाई शेप जो है बच्चों इफ़ यू सी इन द नेक्स्ट स्लाइड बेसिलाई आर बेसिकली द रॉड शेप बैक्टीरिया. तो सिमिलरली आप देख सकते हैं यहाँ पर स्पोर है जिसके पास स्पोर बेरिंग बेसिलाई. देन नेक्स्ट इज बेसिलस एक ट्यूबरक्यूलोसिस का जो बैक्टीरिया होता है वो यहाँ पर दिखाया गया है दिस वन एंड दिस इज़ द फ्लैजिलेटेड बेसिलस जिसके यहाँ पर ये फ्लैजिला बने हुए लॉन्ग लॉन्ग फ्लैजिला जो इसको मूवमेंट में हेल्प करती हैं. दीज आर फ्लैजिला आर एक्चुअली द टाइनी हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स. एंड द थर्ड टाइप इज स्पायरिला. यहाँ पर अगर हम बात करें कोकाई वी हैव डन बेसिलाई वी हैव डन विच आर द रॉड शेप्ड बैक्टीरिया. राइट rod shaped first was spherical third is rod shaped spherical rod shaped third is spiral shaped and fourth is comma shaped. तो चलिए next slide में देखते हैं. here ये देखिए ये है spiralized. spirala bacteria is इसके नाम से ही clear हो रहा है कि ये spiral shaped हैं like this zigzag shape. एंड फोर्थ इज़ विब्रियो जिनकी शेप ऑलमोस्ट कॉमा जो होता है इंग्लिश में जो हम ये सिंबल यूज़ करते हैं कॉमा शेप के बैक्टीरिया हैं जिनको नाम दिया गया है विब्रियो. ठीक है बेटा चलिए नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं. अगेन द बैक्टीरिया आर कैटेगराइज्ड इनटू टू बेसिक टाइप्स ऑन द बेसिस ऑफ द रेस्पिरेशन. मीन्स रेस्पिरेशन के आधार पर बैक्टीरिया कितने तरह के होते हैं एरोबिक एंड एनारोबिक. एरोबिक वो बैक्टीरिया हैं जिनको ग्रोथ के लिए सर्वाइवल के लिए किसकी आवश्यकता होती है ऑक्सीजन की. राइट इनको ज़रूरत होती है ऑक्सीजन की. एंड एनारोबिक ऑन द अदर हैंड दे डू नॉट रिक्वायर एनी काइंड ऑफ ऑक्सीजन दैट्स वाई द नेम इज़ एनारोबिक बैक्टीरिया. न्यूट्रिशन की अगर हम बात करें तो ये खाना किस तरह से खाते हैं अपने सर्वाइवल के लिए ये दो तरह से खाना ले सकते हैं तीन तरह से बेसिकली ये खाना ले सकते हैं. फर्स्ट इज़ ऑटोट्रॉफिक मोड सेकंड इज़ सेप्रोट्रॉफिक एंड थर्ड इज़ पैरासिटिक बैक्टीरिया. वैसे तो आप ये सेवन्थ क्लास में पढ़ चुके हैं बट स्टिल आई वॉन्ट टू ब्रीफ यू अबाउट दीज थ्री टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन. फर्स्ट इज़ ऑटोट्रॉफिक. ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन वो होता है जिसमें कि बैक्टीरिया अपना खाना खुद बना सकते हैं दे कैन मेक देयर ओन फूड. सेकेंड टाइप इज सेप्रोट्रॉफिक. सेप्रोट्रॉफिक ऐसा मोड होता है जिसमें कि ये डेड और डिकेइंग मैटर पर अपना ग्रो करते हैं और सर्वाइव करते हैं. थर्ड टाइप इज पैरासिटिक. पैरासिटिक ऐसा बैक्टीरिया होता है ऐसा मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है जिसमें कि बैक्टीरिया किसी और ऑर्गेनिज्म के बॉडी के अंदर रहते हैं टू ऑब्टेन देयर फूड. राइट चलिए नेक्स्ट स्लाइड में आई वॉन्ट टू शो यू अबाउट द रिप्रोडक्शन ऑफ बैक्टीरिया. रिप्रोडक्शन मीन्स ये अपनी पॉपुलेशन किस तरह से बढ़ाते हैं.
रिप्रोडक्शन का मतलब होता है किस तरह से एक बैक्टीरिया बहुत सारे और डॉटर बैक्टीरिया को प्रोड्यूस करते हैं. दिस इज़ द मेथड कॉल्ड बाइनरी फिशन. बाइनरी फिशन एक ऐसा रिप्रोडक्टिव मेथड है जिसमें कि एक बैक्टीरिया जिसको हम पेरेंट सेल बोलते हैं दैट इज़ डिवाइडेड, इट्स बॉडी इज़ डिवाइडेड इंटू टू स्मॉल टाइनी बैक्टीरिया विच आर लेटर ऑन कॉल्ड डॉटर बैक्टीरियल सेल्स. सो हेयर यहाँ पर आप देख सकते हैं ये साइज़ में थोड़ा सा बड़ा हुआ, उसके बाद ये बीच में से इसके फरो बन गई, ये फरो यू कैन से, एंड विद द हेल्प ऑफ दिस फरो ये ब्रेक हो जाएगा. यहाँ से ब्रेक होने के बाद इट विल स्प्लिट इंटू दीज टू डॉटर बैक्टीरियल सेल्स. दिस इज़ हाउ दे ये अपनी ग्रोथ को बढ़ाते हैं, ये अपनी पॉपुलेशन को बढ़ाते हैं, एंड दिस इज़ हाउ दे रिप्रोड्यूस. सो चिल्ड्रन दैट इज़ ऑल अबाउट टूडेज, दैट इज़ ऑल अबाउट टूडेज लेक्चर. तो बाकी जो भी होगा नेक्स्ट जो टॉपिक है वो हम अपने अगले क्लास में कवर करेंगे. थैंक यू सो मच, टेक केयर चिल्ड्रन.